मृतक सैनिक के साथ हुई विगत दिनों ट्रेन में अप्रिय घटना के मामले में नाराज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारी जिला मुख्यालय पर पहुंचे। पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पर प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन देकर टीटीई पर कार्रवाई की मांग की। आगरा जिलाधिकारी कार्यालय में आए हैं और जिलाधिकारी साहब को एक ज्ञापन दिया है। वो इस संदर्भ में हमारे एक सेवारत सैनिक सोनू कुमार को टीटीई ने ट्रेन से धक्का दे दिया और वो अपने प्राणों की बलि दे दी। उन्होंने अपना आत्मसंयम बनाते हुए मेरी देश से, देश की जनता से और जहाँ तक ये भी मेरी आवाज़ जारी है, ये उन सबसे प्रार्थना है कि उस टीटीई साहब के साथ में ऐसा ही एग्जेम्पलरी पनिश किया जाए, एक देश में ऐसी अनुशासनहीनता की कार्रवाई ना हो। वो सैनिक अपने बच्चे का जन्मदिन, उसका एक ही महीने का बच्चा हुआ था और वो नामांकन संस्कार के लिए आया था और वो आज वो बच्चा अनाथ हो गया। आज जिलाधिकारी अधिकारी महोदय से हमने ज्ञापन दिया है, पूरे हमारा डेलीगेशन, आर्मी डेलीगेशन, पूरे सैनिक डेलीगेशन आया हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आती, उस टीटी ने धक्का दिया है उसको, क्या वो देशद्रोही थे? खा गया देशद्रोही था क्या वो? क्या पाकिस्तानी था क्या वो? उसको धक्का दे दिया उन्होंने, क्यों धक्का दिया? अगर वो इलीगल काम कर रहा था तो पनिश किया जा सकता था, फाइनेंशियल पनिश किया जा सकता था। क्या क्या वो देशद्रोही था? उस बंदे ने एक्टिव में सर्विस रहते हुए, अगर सर्विस बस में जा रहा है ट्रेन में तो उसको सीट दे दो। अगर वो बंदा कहाँ जा रहा है? सियाचिन ग्लेशियर में जा रहा है, डोकला में जा रहा है, श्रीनगर में जा रहा है। वो बंदा अकेला में उग्रवादियों से लड़ रहा है, उसको सपोर्ट देने ये बंदा छुट्टी काट के जा रहा है, तो क्या वो जरूरी था कि तेरे में ट्रेन से धक्का देना जरूरी था उसको?